दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के बीच हुए 34वें वर्ल्ड कप मैच की फुल हाइलाइट्स के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो पहले इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग को ऑप्ट किया। इंडिया की तरफ से ओपन करने आए केएल राहुल और रोहित शर्मा। राहुल आज अच्छा खेले और 48 रन बनाए, वहीं रोहित ने 18 रन बनाए। लेकिन रोहित को जिस तरीके से आउट दिया गया वो बिल्कुल ही गलत था। थर्ड एम्पायर ने ज्यादा एंगल से कैमरे को नहीं देखा और बिना सोचे समझे ही रोहित को आउट दे दिया, जबकि वो आउट नहीं था। एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा कि वो आउट नहीं था और उस डिसीजन को ऑन ग्राउंड एम्पायर तक पहुंचाना चाहिए था। तो मैं तो बिल्कुल भी इस डिसीजन से सहमत नहीं हूं और कोई भी सहमत नहीं था। थर्ड एम्पायर को न जाने क्या लगा। उसके बाद कोहली ने काफी बढ़िया पारी खेली और 72 रन बनाए हुए, इसे शतक में कन्वर्ट करना चाहते थे। वे दुखी भी थे आउट होने पर, लेकिन काफ़ी बढ़िया साझेदारी रही उनकी। 72 रन बनाए उन्होंने और इसी के साथ उन्होंने अपने 20,000 वनडे इंटरनेशनल रन पूरे किए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने सबसे तेजी से ये रन पूरे किए हैं 417 इनिंग्स में। उसके बाद विजय शंकर ने केवल 14 रन बनाए और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है नंबर 4 पर, और मुझे नहीं लगता कि आगे वाले मैचेस में इन्हें चांस दिया जाएगा। उसके बाद केदार जाधव भी आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और केवल 7 रन बनाए। वहीं धोनी और हार्दिक पांड्या ने आज कमाल कर दिया। धोनी ने 56 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 46 रन बनाए, लेकिन इन्हीं दोनों ने पूरी पारी को संभाला, जहां 180 पर 5 विकेट। तो लग ही नहीं रहा था कि अब पारी आगे ज़्यादा जाएगी, लेकिन इन दोनों की कमाल की साझेदारी ने इंडिया टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया। वहीं धोनी ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करी आज। तो इसी के साथ टीम इंडिया ने 268 का एक बढ़िया टारगेट सेट किया, लेकिन वे इससे ज़्यादा की आशा करके आए थे और लग रहा था 300 पार पहुंचाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था और आसानी से डिफेंड किया जा सकता था। इंडिया टीम इसे आसानी से बचा सकती थी, क्योंकि अफगानिस्तान के सामने जिस तरीके से परफॉर्म किया था तो यहाँ पर तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। वहीं बात करें वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की, तो कोटरियल ने 2 विकेट लिए, किमर रोज ने काफ़ी शानदार बॉलिंग की और 3 विकेट लिए, और वो तीनों विकेट हमारे दिग्गज बल्लेबाजों के लिए। वहीं जेसन होल्डर ने एकदम जबरदस्त बॉलिंग की, 2 मेडन ओवर किए हैं और 2 विकेट लिए हैं। तो अब आई वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग। हमारी बॉलिंग पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, तो ओपनिंग करने आए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से क्रिस गेल और सुनील अम्बरीश। क्रिस गेल ने केवल 6 रन बनाए और चलते बने, वहीं सुनील अम्बरीश ने 31 रन बनाए। हमारी बॉलिंग काफ़ी लाजवाब थी और शमी ने तो आज काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। वहीं शाही होप को शमी ने बोल्ड किया और वो केवल 5 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। निकोलस पुरन अच्छा खेले और 28 रन बनाए। वहीं हेडमेयर ने 18 रन बनाए। होल्डर 6 रन बनाकर ही आउट हो गए, लेकिन इनको आउट करने की जो रणनीति बनाई गई थी वो काफ़ी लाजवाब थी। कार्लोस ब्रेथवेट, जिन्होंने लास्ट मैच में शतक लगाया था, उन्हें इतने सस्ते में आज निपटा दिया बुमराह ने, इसीलिए उन्हें कहा जाता है वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर। फेबियन एलन 0 रन बनाकर ही आउट हो गए, बुमराह ने इन्हें LBW आउट किया। किमर रोज ने 14 रन बनाए, कोटरेल ने 10 रन बनाए और वापस ओशन थॉमस ने 6 रन बनाए। अब बात करें इंडिया टीम की बॉलिंग की, तो मोहम्मद शमी की बॉलिंग काफ़ी निखर कर आई है। इन्होंने 4 विकेट लिए, 6.2 ओवर किए और केवल 16 रन दिए। वहीं जसप्रीत बुमराह तो हमारे स्टार बॉलर है, उन्होंने 6 ओवर किए, मात्र 9 रन दिए और 2 विकेट चटकाए कीमती। वहीं हार्दिक पांड्या भी काफ़ी शानदार फॉर्म में है, उन्होंने 5 ओवर किए, 1 विकेट लिया है। वहीं बल्ले से भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया। कुलदीप यादव ने 9 ओवर किए, 1 विकेट लिया है। वहीं युजवेंद्र चहल ने 7 ओवर किए और 2 विकेट लिए। और इसी के साथ इंडिया टीम ने 125 रन की एक शानदार जीत दर्ज की है, और इसी के साथ अब सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए इंडिया को मात्र 1 मैच और जीतना है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा आउट थे या नहीं। इसी के साथ विदा लेते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।